दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी मुद्दे की बात है वो ये है कि जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला अब क्या करेंगे। जेजेपी की राजनीति किस तरफ जाएगी? उनके समर्थक पूरे हरियाणा में फैले हैं, राजस्थान तक हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला उन्हें निर्देश दें कि किस दिशा में पार्टी को ले जाना है, या किसके साथ समझौता करना है, या अकेले चुनाव लड़ना है। इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन इस मंथन के बाद जो स्थिति सामने आ रही है या स्पष्ट हुई है, दुष्यंत चौटाला ने अपने मीडिया रिपोर्ट में दावा किया है कि जो ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि वो दोबारा से भाजपा के साथ कोई चुनावी गठबंधन करेंगे या जजपा का भाजपा में विलय कर लेंगे, ये सरासर वाहियात खबरें हैं, झूठी खबरें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भाजपा से हमारी तौबा। दुष्यंत चौटाला ही नहीं, उनके और समर्थक जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, अब उन सबका मानना है कि जिस तरीके से भाजपा का रवैया रहा है कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर वो किसी भी राज्य में ऊंचाइयों पर चढ़ती है या सत्ता में पहुंचती है, समय आने पर उन क्षेत्रीय पार्टियों को दगा देकर, उनको पीछे धकेल कर, उनको समाप्त करने का काम करती है। जजपा नेताओं का दावा है कि जिस तरीके से भाजपा ने महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में जिस तरह बेईमानी करके गैर संवैधानिक तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ा है, पहले उनसे फायदा लिया, सत्ता में आए उनके दम पर, क्षेत्रीय दलों के दम पर, और फिर उन्हीं को समाप्त करके उनको दगा दिया, उनको समाप्त करने का अभियान चलाया और दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। यही वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ कर रहे हैं। जेडीयू के सहयोग से ही भाजपा जब भी बिहार में सत्ता में आई, लेकिन अब बिहार में भी जेडीयू को नीतीश कुमार को समाप्त करने की नीति पर भाजपा चल निकली है और जो पर्दे के पीछे राजनीति चल रही है उसका मतलब ही सिर्फ ये है कि इस बार जेडीयू को खत्म करके, नीतीश कुमार को खत्म करके बिहार की सत्ता पर अकेले कब्जा करना है। जजपा नेताओं ने और भी कई उदाहरण दिए हैं कि पूरे भारत में भाजपा किस तरीके से क्षेत्रीय दलों का शोषण करती आई है। दुष्यंत चौटाला भी मानते हैं कि हमने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाकर बहुत गलती की, भाजपा ने जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, लोकसभा चुनावों में गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बात कही गई थी लेकिन भाजपा ने वो काम भी नहीं किया। ये ही नहीं, 4.5 साल में ही एक तरफा गठबंधन को समाप्त करके जजपा को सत्ता से बाहर कर दिया।
जबकि जजपा ही वो सबसे बड़ी पार्टनर थी जिसने हरियाणा में भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया, मनोहर लाल जी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का काम किया। यदि हम भाजपा को और मनोहर लाल जी को अपनी सपोर्ट ना करते, हम अपने 10 MLOs का सपोर्ट उनको ना देते, तो पिछले 5 साल भाजपा सत्ता से दूर रहती। लेकिन जो हुआ सो हुआ, हम भाजपा की नीतियां समझ चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अपने समर्थकों को भी स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के साथ अब जाने का सवाल ही नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी इशारा किया है कि कांग्रेस यदि भाजपा सरकार को हरियाणा में गिराना चाहती है तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे भाजपा सरकार को गिराने के लिए, नायब सैनी की सरकार को गिराने के लिए। और हम पहले भी वादा कर चुके हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं हम उनके साथ परेड करने तक को तैयार हैं राज्यपाल के सामने। लेकिन कांग्रेस ने मजबूती से, पुख्ता तरीके से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है कि दुष्यंत चौटाला के सपोर्ट से वो सरकार गिरा के कांग्रेस की सरकार बनाए। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हम अब भी इंतजार कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में लौटना चाहती है तो हम हर तरीके से उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं, भाजपा सरकार को, नायब सैनी सरकार को गिराने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बढ़ चढ़कर कांग्रेस आगे आए और नए सिरे से राज्यपाल के सामने इस सरकार को गिराने का और बहुमत नए सिरे से प्राप्त करने का आदेश राज्यपाल से करवाए। यही नहीं, दुष्यंत चौटाला और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो राज्यसभा की सीट दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है, उस पर भी हम कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करने को तैयार हैं यदि कांग्रेस अपना उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव के लिए खड़ा करती है तो जजपा कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने में अपना पूरा सहयोग करेगी। हालांकि कांग्रेस राज्यसभा में अपना मेंबर भेजने के लिए कुछ ढीली ढाली सी प्रतिक्रिया दे रही है। अब दोस्तों देखने की बात यह है कि जो दुष्यंत चौटाला कांग्रेस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं और भाजपा को वो परमानेंट ना कर चुके हैं, तो क्या आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस दुष्यंत चौटाला को अपने साथ लाएगी, उनके लिए कोई स्पेस छोड़ेगी, क्या उनके साथ कोई चुनावी गठबंधन करेगी? इसकी चर्चाएं पर्दे के पीछे तो चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के फैसले के तहत कांग्रेस और आज पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे और कुरुक्षेत्र की सीट आपको दी गई थी, हालांकि कुरुक्षेत्र में आपके उम्मीदवार को भारी संख्या में वोट पड़े लेकिन वो जीत नहीं सके, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया कि वो जो चुनावी गठबंधन था आप पार्टी के साथ वो सिर्फ लोकसभा चुनावों तक सीमित था और विधानसभा चुनाव हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। तो आपसे तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व अंदर खाने माप तोल कर रहा है। क्या जजपा के
के साथ चुनावी गठबंधन करने पर कांग्रेस को कोई फायदा हो सकता है, इस पर भी दो राय हैं। कांग्रेस के कुछ नेता समर्थक मानते हैं कि यदि जजपा को कांग्रेस साथ लाती है विधानसभा चुनावों में तो भाजपा को एकदम 100% हराने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का ही एक तबका ये भी मानता है कि दुष्यंत चौटाला और जजपा के जो कारनामे पिछले 4.5-5 सालों में रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने किसानों का और पहलवान बेटियों के मुद्दे पर अपना मुंह बंद रखा और समर्थन नहीं दिया, तो जाट समाज की नज़रों में दुष्यंत चौटाला के लिए कोई बहुत बड़ा समर्थन नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए जजपा के साथ कांग्रेस को चुनावी गठबंधन करके शायद कोई फायदा ना हो। अब देखने की बात यह है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, कि जो पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को हर कदम पर साथ देने की अपनी मंशा प्रकट की है, तो क्या कांग्रेस का जो जवाब है दुष्यंत चौटाला को हाँ में मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और कांग्रेस क्या चौटाला को साथ लेकर आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों में जा सकती है? तो दोस्तों, ये सवाल 3-4 महीनों में, जब तक चुनाव की डेट नहीं हो, मतलब आ जाती, तब तक अनसुलझा रहेगा। देखना है कि चुनावों से पहले पहले, चुनावों की घोषणाओं से पहले, कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की बात कोई बात बन पाती है या नहीं। और ये तो तय माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला अब भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।